माय डियर स्टूडेंट्स, केवीएल और केसीएल प्रॉपरली कंप्लीट कर लेने के बाद बच्चों अब हमें क्या करना है, बैटरीज को ही सीरीज में रख के पढ़ते हैं या पैरेलल में या तो मिक्स फॉर्म में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज, जिसमें पहला बन रहा है बच्चों सीरीज, फिर है पैरेलल, फिर है मिक्स। ये ध्यान रखना कि सीरीज को सर दो बार ही पढ़ाएंगे और सेम पैरेलल को भी दो बार ही पढ़ाएंगे। कैसे, जब अपन सीरीज को स्टडी कर रहे होंगे ना बच्चों, तो एग्जाम में ऐसा बोलता है आइडेंटिकल सेल्स लगे हुए हैं। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल होंगे और बैटरी का ईएमएफ भी इक्वल होगा। और एक बार मैं आपको जनरल केस बताऊंगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पहला वाला जा रहा है बच्चों आइडेंटिकल कैटेगरी का। इट सेज दैट जो पहली बैटरी का ईएमएफ होगा वो दूसरी वाली के बराबर होगा और उसका एक जनरल बोल सकते हो। सिमिलरली यू कैन से आर वन इक्वल्स आर टू विच कैन बी इक्वल टू आर, आइडेंटिकल। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको बैटरी को क्या करना होगा बच्चों, इस तरह से कनेक्ट करना होगा। लेट अस से मेरे पास एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर से बच्चों एक और बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब वो चीज़ ध्यान में आएगी जब सर ने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया था। और कभी भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को अप टू एन लेने को नहीं कहा था, वो इसलिए कि सीरीज में अपन एस यूज करते हैं, पैरेलल में एफ पी यूज करेंगे और मिक्स वाले के लिए नंबर कांस्टेंट होता है। कल मालूम पड़ जाएगा आपको इसमें क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो अप टू एस बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है, ये लास्ट जो बैटरी है, सपोज एस टर्म्स ऑफ बैटरी से इन सब से मिलके मैंने एक लोड रेजिस्टेंस पे कनेक्शन दे दिया है। ये हो गया प्लस माइनस छोटा आर, प्लस माइनस छोटा आर। यहाँ भी हो गया बच्चों प्लस माइनस छोटा आर। सबको पता है यहाँ पे ये करंट हो गया, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ये पूरा सर्किट ना बच्चों आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि सर आप क्यों नहीं एक ए में बना देते और एक आर बना देते और यहाँ कैपिटल आर को छोड़ देते। ये बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान देना क्या कह रहा है टीचर। सबके पास बच्चों सेम ईएमएफ होगा तो हो जाएगा ई, यहां पर भी ई और यहां पर भी ई। सोचो ना यहाँ पे 10 सेल रखे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, सबके ईएमएफ एड अप नहीं हो जाएगा। एस नंबर ऑफ सेल रखे हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी एस टाइम्स ऑफ ई। ऐसे ही छोटा आर छोटा आर छोटा आर कहां तक जा रहा है, एस तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एस टाइम्स ऑफ छोटा आर। और यहाँ एक करंट जाएगा, ये वही करंट है जो यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल आर के बारे में। आपसे अगर बोला जाएगा व्हाट इज द करंट इन द अबव सर्किट, करंट नेट करंट लिख देते हैं, इसको बोलना आई। ये हो जाएगा नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। मेरे साथ साथ देखो, इसको छोड़ दो आप, ये बोलो ये रहा आपके पास ईएमएफ, तो लिख देना सर एस टाइम्स ऑफ ई आया। हाँ बच्चों, और रेजिस्टेंस में ये दोनों के दोनों अल्टीमेटली तो सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो लिख सकते हो आर प्लस छोटा वाला एस इंटू आर। तो जनरली मेरा आंसर मिल गया आई बराबर स्मॉल एस ई डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस प्लस एस आर। बच्चों इसको ई नॉट कहते हैं और इसको कंबाइंडली अपन आर नेट बोलते हैं। सोचो क्या कह रहा हूं मैं, ये लोड रेजिस्टेंस कंबाइन करके पढ़ लिख दिया गया है और ये नेट ईएमएफ बना रहा, मतलब इक्वल ईएमएफ बता रहा है। इस तरह अपन बैटरीज को सीरीज में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके दो तीन डिफरेंट डिफरेंट केस होते हैं, मैं दोनों के दोनों केस को यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ, बस आप बोर्ड पे फॉलो करते जाइए। फर्स्ट केस हो जाएगा बच्चों इन दोनों में फाइट होती है, इन दोनों में यूजुअली ऐसा होता है ना बच्चों, जो लोड होता है वो आपका किलो ओम में आता है और ये बेचारे ना एक दो ओम के रहते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो किलो मतलब हजार गुना ज्यादा हो गया, तो मतलब सर के कहने का है फर्स्ट केस में जो आर है वो काफी ज्यादा हो जाएगा आपके एस आर से। चार पांच बैटरी का आर मिलके क्या ही कर लेगा बच्चों एस आर, तो ये ज्यादा हो जाएगा ना। उस केस में आप करंट को लिख सकते हो एस टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाय वन आर। यूजुअली आपके पास जो करंट आता है किसी भी सर्किट में वो ये वाला आता है। और कभी कभी बच्चे लोग नाटक करने के लिए क्या करते हैं, उस बैटरी के दोनों तार आपस में शॉर्ट कर देते हैं, तो ये वाला आर बहुत कम हो जाता है बिकॉज वहाँ से हटा दिया गया है, अब खाली एक वायर का रेजिस्टेंस बचा हुआ है बच्चों। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो आर हो जाए वो बहुत छोटा हो जाए किसके, एस आर के। ये कंडीशन याद रखना क्या करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसमें हो जाएगा स्मॉल वाला आई। देखो ना आर प्लस एस आर लिखते हैं तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया बच्चों, तो इसको एलिमिनेट कर दो,
तो ये हो जाएगा सीधा सीधा एस ई डिवाइडेड बाय एस इंटू आर, इसको हटा दो तो ये हो गया ई बाय आर। जनरली ये 1 ओम या 2 ओम होता है। इमेजिन कर सकते हो क्या कि करंट कितना ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तभी दो बैटरी के तार आपस में ऐसे करते हो तो एक्सटेंसिवली लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है, तब जा करके बच्चों आप लोगों को वो स्पार्किंग या हाई चार्ज या हाई करंट वहाँ से फ्लो हो जाता है। दिस इज द केस वेर लोड रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो और आपका ये आंसर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लिख दूँ बैटरी का तो गलत नहीं होगा। ये पूरा टॉपिक पढ़ाया गया आप लोगों को बच्चों आइडेंटिकल बैटरीज देख के। अब मैं आपसे बात करूंगा अलग अलग बैटरीज को लेकर, तब लगेगा अपना KVL जो आपने आज बड़े अच्छे से ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने आइडेंटिकल केस वाले बैटरीज को कंप्लीट कर लिया। अब एक जनरल केस पढ़ते हैं जो आपके पेपर में आने के ज्यादा चांस रहते हैं, वो तो MCQ में आ जाएगा। ये पूछेगा आपको डिराइव करके बताइए क्या आ रहा है यहाँ पर करंट। अल्टीमेटली लोड पे जितना करंट आता है वही पता करना होता है ना हम लोगों को। सो लेट अस अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सर के पास यहाँ पर एक बैटरी है इस तरह से देखो, ठीक। इस पर्टिकुलर बैटरी के बाद मैंने एक और बैटरी कनेक्ट कर दिया बच्चों। इसे मान लो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा E1 और इसके पास क्या हो जाएगा R1, ये हो जाएगा बच्चों E2 और यहाँ हो जाएगा R2। और भी हो सकते हैं बच्चों यहाँ पर। इन दोनों को मैंने क्या करा, एक लोड रेजिस्टेंस से फॉलो करा के कंप्लीट करा दिया बच्चों। ये हो गया तुम्हारा R, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है माइनस है। आप बच्चों एक लूप समझ सकते हो और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक करंट चल के जा रहा होगा। ये हो गया करंट और यहाँ पे ये वही वाला करंट। देखो सिंपल डायग्राम है, दो बैटरी हैं अलग अलग रेजिस्टेंस है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है। पेपर में आ गया तो क्या करना है, दो अलग अलग बैटरी दे रखे होंगे E1 E2 करेस्पॉन्डिंग R1 R2, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे। दे बोथ आर गिविंग वन पर्टिकुलर करंट I और R पे जा रहा होगा। ये लूप बन रहा है, इसका नाम रख दो आप पहले तो A B C D। तो प्यारे बच्चों क्या करना है सर को, ये लूप लगाना है A B C D A का लूप लगाया। यहाँ जाकर के बैठ जाओ, ये बैठ गए जाके बढ़िया एकदम। बैठ करके आगे जा रहे होगे तो आपको बच्चों करंट के साथ चलना है। करंट के साथ अगर चल के जाएंगे तो माइनस का आई इंटू आर, मैं पता नहीं कितने बार आपको ये बात बता चुका हूँ, व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव। यहाँ से ऊपर गए आगे गए फिर ये मिले अपन को, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई इंटू आर टू। फिर आगे जाएंगे तो बच्चों माइनस से प्लस जा रहा, मतलब आप क्या करें इस तरह से देखो ना, चढ़ गए आप जाके स्टेयर्स पे, तो माइनस से प्लस मतलब ये हो जाएगा प्लस ऑफ E2। और आगे आओगे तो फिर से ये मिलेगा आपको, फिर से करंट के साथ चलोगे तो क्या हो जाएगा आई इंटू ये हो जाएगा R1। और आगे जाओगे तो क्या हो गया, माइनस से प्लस हो गया। यहाँ पर ही बच्चों आप प्लस पे ही जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ E1। घूम फिर के हमारा भैया वापस से वहीं पर आ गया। दिस इज द KVL। If you wish to calculate I, तो इन तीनों को बच्चों उधर भेज दो तो आपका आंसर हो जाएगा I बाहर निकाल करके R प्लस R1 प्लस R2 बराबर हो गया ये E1 प्लस E2। और यू कैन राइट I इक्वल्स, बच्चों देखो ना ये टर्म नीचे जा रही है अब तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास E1 प्लस ऑफ E2। और ऐसे जितने भी होंगे ना बच्चों वो लाइन से रख दिए जाएंगे और नीचे जाएगा एक लोड रेजिस्टेंस प्लस R1 प्लस R2, ऐसे करते करते मेरे पास हो जाएगा R1 RN। देख लो ना कितना आसान है। अल्टीमेटली घूम फिर के सर की कहानी इतनी सी रह जाती है कि करंट अगर नेट चाहिए तो न्यूमरेटर में आ जाएगा नेट EMF। देख सकते हो ना अच्छे से क्या लिखा है बच्चों, E1 E2 से लेके EN तक तो लिखा हुआ है और यहाँ हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो इसको लिख सकते हो आप लोग नेट, मैंने यहाँ लिख दिया है रेजिस्टेंस, विच इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ देम। एक्चुअली सारे के सारे सीरीज में इसलिए ये टर्म आ रही है। सो दिस इज हाउ यू हैव अप्लाइड योर KVL। यहाँ लिख देता हूँ मैंने KVL से आंसर लाया है। डाउट देखो क्या है, देखो ये टर्म ये सब तो बराबर ही मिल रहे हैं मेरे ख्याल में। बच्चों आपको यहाँ तक डाउट्स और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो बैटरी से मेरे पास दोनों का लगा दिया, 10 भी होते ना तो ऐसे ही आंसर आता।
दैट इज वाई इवन ई टू ई थ्री करके आ रहा है, और किसी किसी बुक में आपको ये मिल सकता है कि ऊपर एक ई नॉट लिखा होगा और यहाँ आर प्लस आर नॉट लिखा होगा। इसका मतलब हो जाएगा ये सारे भाई साहब, और छोटे आर का मतलब हो जाएगा इतना, बस लिख भी देता हूँ वरना आप लोग गड़बड़ करोगे। ई नॉट हो जाएगा बच्चों ईवन ई टू से लेकर के सर कहाँ तक आ रहे हैं ई एन तक, और स्मॉल आर का मतलब है ऊपर वाले से बात करनी है बस, तो ये हो जाएगा आर वन, आई कैन राइट आर टू, एंड अगेन आई कैन राइट आर ऑफ एन। सोच लो समझ लो क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलो एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, जब बैटरी को अपन पलटते हैं तब क्या होगा। चलो आओ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक स्पेशल केस बनता है इस सीरीज ग्रुपिंग का। वो ये कहता है अगर नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ सेल्स में पलटा दूं तो क्या होगा, फ्लिप ओवर कर दे तो क्या हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास इस तरह से बात कर रहा है सामने वाला कि एक बैटरी लगाया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक और बैटरी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, विच मीन्स इसके पास ईएमएफ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, और करते करते कहाँ तक चल के जा रहे थे, मैंने आपको बताया था सीरीज में बच्चों एस लिखना सीखो, और ये आगे जाके क्या कर रहे क्या कर ले रहा है बच्चों, एक लास्ट में अपने पास ईएमएफ होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, अप टू एस की बात हो रही है, एंड दे ऑल वर्क कनेक्टेड प्रीवियसली टू योर लोड रेजिस्टेंस लाइक दिस। देखो बेटा अब रीड करो क्वेश्चन कि ये एन नंबर के साथ क्या हो रहा है। मान लो सर के पास 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोग हैं, इनमें से दो लोग भग गए तो दो लोग को तो भगा दूंगा तो 8 बचेंगे। क्या होगा ये दो लोग पलट करके खुद भी पलट जाएं और दो लोग को और मार दें, क्यों भाई? अगर एक बैटरी को पलटाऊंगा तो एक को काउंटर करके कैंसिल नहीं कर देगी उसका इफेक्ट, मतलब अगर दो लोग भागते हैं तो मुझे 4 का नुकसान हो रहा है, दो तो पहले कम हो जाएंगे तो 8 बचेंगे और दो इनको और मार देंगे आगे, तो आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस। इफ यू ट्राई टू जनरलाइज दिस टर्म यू कैन से सर इनिशियली मेरे पास एस ई नाम का ई एम एफ था, एक के पास ई था मेरे पास एस लोग थे, एन बच्चे भागे तो नुकसान कितने का हुआ, एन का हुआ कि टू एन का हुआ, बच्चों टू एन का हुआ, तो ये हो जाएगा एस ई, ठीक है। तो एस ई है तो हो जाएगा एस माइनस टू एन टाइम्स ऑफ ई, ये आपका इफेक्टिव ई एम एफ कहलाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते ही अगर दो सेल पलट रहा हो तो 4 की गलती है, 3 पलट रहा होगा तो 6 खराब हो रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा यहां पर आई नेट इक्वल्स टू होता है प्यारे बच्चों नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट करंट। क्या लिखूंगा मैं, अरे यार ये जितने भी थे ये सब के सब एस ई बना रहे थे और दो एन का मुझे नुकसान हो गया, तो हो जाएगा एस माइनस टू एन ऑफ वन इंडिविजुअल ई एम एफ। अब यहां पे होशियारी मत करना ज्यादा, यहां बच्चों नेट रेजिस्टेंस आएगा ना, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस में ये गड़बड़ मत करना, आर का टर्म है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, बच्चों आप बैटरी पलटते हो तो उसकी पोलैरिटी से ही वो पोटेंशियल कैंसिल करता है, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ही कैंसिल करता। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है ना बच्चों, उसको प्लस माइनस या पोलैरिटी डिपेंडेंट नहीं है, वो बायलैटरल डिवाइस होता है, इसका मतलब इसको ऐसे कनेक्ट करो ऐसे कनेक्ट करो वो अपना आर काम करेगा, विच मीन्स नेट रेजिस्टेंस में आपका आर प्लस जो शुरुआत में वैल्यू वही आएगा, इसको डब्बे में डाल दो एग्जाम में आएगा, तो खाली न्यूमरेटर में चेंज करना और क्वेश्चन सही कर लेना, ठीक है। एस माइनस टू एन टाइम्स ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एस आर, ये याद रखो जितने पलट रहे हैं उसके डबल का नुकसान होगा मुझे, ठीक। तो वहीं पे टू एन आ रहा है और रेजिस्टेंस में कोई चेंज होगा बिकॉज रेजिस्टेंस के पास प्लस माइनस थोड़ना होता है, और टेक्निकली अपन बायलैटरल डिवाइस बोलते हैं, मतलब ऐसे लगाया तो भी आर होगा, ऐसे लगाएंगे तो भी आर ही होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अगली क्लास में अपन लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लेंगे, मिक्स पढ़ लेंगे, एंड देन वी स्टार्ट विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हैं, मतलब मीटर बेच पढ़ेंगे अपन, पोटेंशियोमीटर एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है। बट टिल देन गुड बाय, इस तरह ही पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बिकॉज योर नोट्स आर योर प्रीशियस थिंग्स फॉर दिस सेशन, ठीक है। जहाँ से जैसा पढ़ते बन रहा है अच्छे से कंप्लीट करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, स्टे सेफ, and I'll see you in the next video class. Okay, students, till then, bye-bye.
ठीक है।